नोटबंदी के बाद से ही गरीबों के जनधन खातों में करोड़ों की रकम पहुंचने का सिलसिला जारी है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक महिला के जनधन खाते में अचानक 99 करोड़ रुपए आ गए, जिससे उसके पूरे परिवार की नींद उड़ गई है। दरअसल शीतल नाम की महिला, जो मेरठ की एक फैक्ट्री में सिर्फ 5,000 रुपए प्रति माह के वेतन पर नौकरी करती है, 18 दिसंबर को शीतल अपना खाता जांचने ICICI बैंक के ATM पर गई। खाते की स्लिप निकाली तो उनके होश उड़ गए। स्लिप पर 99,99,99,394 रुपए दर्ज थे। शीतल और उनके पति ने SBI शारदा रोड में इसकी शिकायत दर्ज कराई, लेकिन बैंक की तरफ से उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिला। बैंक अफसरों से राहत ना मिलने पर अब शीतल और उनके पति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ईमेल भेजकर मदद की गुहार लगाई है। तो शीतल के खाते में इतनी बड़ी रकम कैसे पहुंची? क्या शीतल के जनधन खाते का इस्तेमाल काले धन को सफेद करने के लिए किया जा रहा था? ये तमाम सवाल फिर खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी कई लोगों के खाते में इतनी बड़ी रकम आ चुकी है। देखते रहिए DB Live।